हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मामा लव्स का पानी पूरी मसाला। इसमें ये पूरा पैकेट है, इसमें आपको पानी पूरी मसाला मिलेगा एंड पूरीज भी मिलेगी। एंड इसमें तीन तरीके का पानी मिलेगा आपको, खट्टा मीठा और हींग का एंड पुदीने का, और आपको इसमें मीठी सौंठ भी मिलेगी। तो मैंने ये थ्री फ्लेवर्स परचेज़ किए थे एंड मैं इसका कोलैब मतलब आपको दिखा रही हूँ। थ्री प्रोडक्ट परचेज़ किए थे, एक मैंने ख़रीदा पुदीना पानी का, एक किया था मैंने हींग पानी हींग के डिब्बा, और एक मैंने किया था खट्टा मीठा पानी। ये थ्री फ्लेवर्स थे, फ्लेवर्स का पानी ख़रीदा था एंड मैं आपको पैकेट्स दिखा रही हूँ। ये पुदीना पानी, ये मीठा खट्टा मीठा पानी, और यह सौंठ का पूरा पैकेट दिखाया है। और मैंने इसमें वो भी दिखाए हैं पूरीज जो आपको उसमें फ्राई करनी है, तलनी है, बस आपको फ्राई करनी है। बहुत इजी बन जाएगा आपका, बहुत इजी टू वे है, मतलब आप इजीली बहुत बना सकते हैं और खा सकते हैं मज़े से। तो एक पैकेट में 40 पूरी निकलती हैं, इसको आप आराम से फ्राई कर लें गरम तेल में और आराम से ये फ्राई भी हो जाती हैं। आप देख रहे हैं मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको अच्छे से। ये देखिए पूरी फूल रही हैं धीरे धीरे जैसे ये गरम हो रही हैं, एंड एक भी पूरी मेरी बेकार नहीं गई, सारी की सारी फूली अच्छे से, तो कोई छोटी कोई बड़ी पर फूली सारी थी, एक भी ख़राब नहीं गई कि पापड़ी वाली टाइप की। तो उसके बाद मैंने फुलाने के बाद इसको अच्छे से फुलाने के बाद निकाल लिया तेल से, एंड ये ज़्यादा तेल भी नहीं पीती, बहुत अच्छे से बन जाती हैं। फिर मैंने बॉईल किया पानी एंड मैंने मीठी सौंठ डाल दी, दो पैकेट मैंने मीठी सौंठ के डाल दिए थे क्योंकि सौंठ खूब सारी बनानी थी मैंने। एंड इसमें सौंठ में ना खजूर मिला हुआ है, मीठी सौंठ मैंने बना ली एंड इसमें पूरा पैकेट डाल दिया, दो पैकेट्स डाले मैंने, और ये आराम से मेरी सॉस मतलब ये बन गई सौंठ जो बोलते हैं गोलगप्पों की। एंड इसमें ना खजूर भी है तो, और गुड़ भी है, अच्छा फ्लेवर आ रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आ रहा था। एंड मसाले भी मिले हुए हैं इसमें, आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलाना, काली मिर्च लाल मिर्च सब, काला नमक सब मिला हुआ है। तो मैंने दो पैकेट्स डाल दिए थे अपने इसमें बहुत अच्छे से, और बन के ये रेडी हो गई थी पाँच मिनट में बन भी गई थी, 5 मिनट में भी नहीं 2 मिनट में बन गई ये मेरी। एंड ये आप देख सकते हो बाले आ रहे हैं और ये गाढ़ी हो गई। अब मैं बना रही हूँ पानी, तो पानी के लिए मैंने 3 ग्लास ले लिए थे एंड उसमें अच्छे से पानी डाल दिया था। डालने के बाद फिर मैंने पैकेट लिया पुदीने का पैकेट लिया एंड मैंने इसमें मिक्स कर दिया। पूरा पैकेट नहीं डाला था, आधा डाला था, पर फ्लेवर वाइज बहुत यम्मी बना था, इतना चटपटा स्वाद आ रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत यम्मी बना था। और मैं उसको अच्छे से हिला रही हूँ, आपको इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं मिलाना, सब मिला हुआ है इसमें, जीरा पाउडर तक मिला हुआ है गाइस, पूरा बस पानी में घोल रहे हैं और बन गया आपका पानी। फिर मैं बना रही हूँ खट्टा मीठा पानी, तो ये भी मैंने पानी में डाला और हिलाया, ये भी बहुत टेस्टी बना था। मैंने मतलब सोचा नहीं था कि पैकेट्स में धमाल हो जाएगा, इन पैकेट्स ने सच में धमाल कर दिया, बहुत यम्मी बना था, यम्मी मतलब एक पैकेट में आप एक कटोरे में पानी डाल के आप बना सकते हो, तो ये आपका आराम से बन जाएगा। तो ये पानी तो कम था, मैंने इसमें और मिक्स किया था और ये आराम से फ्लेवर वाइज पूरा हो गया था मेरा। ये मेरा हींग पानी बन गया, ये मेरा पुदीना पानी बन गया, और ये मेरा मीठा पानी बन गया, ठीक है। और फ्लेवर्स वाइज तीनों ही बेस्ट फ्लेवर्स बने थे, बहुत यम्मी बने थे, डिलीशियस बने थे। फिर आती है वैरायटी अचार्स की, तो पिकल्स की, ये भी मामा लव का है, मामास लव का। तो ये इसमें एक रेड चिली आई थी, एक ग्रीन चिली आई थी, एक मिक्स अचार आया था, एक लेमन अचार आया था, एक लेमन मीठा आया था, और एक मैंगो मीठा आया था। ये 6 फ्लेवर्स के इन्होंने मुझे अचार भेजे हैं और ये बहुत डिलीशियस अचार हैं गाइस, एंड ऐसा लग रहा था होममेड अचार हैं, ये होममेड अचार हैं बिल्कुल, कोई इसमें नुकसान वाला बात कोई भी नहीं है, तो बहुत यम्मी और डिलीशियस है, मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गए। तो
आपको अगर बाय करने हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बाय बाय।